नमस्कार बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करी थी हमने, जिसमें मैंने बोला कि इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, ये बात हुई थी। ठीक है, फिर हमने बात करी कि अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना है, मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। पहली बात कि इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम एचओ बोल दे रहे हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ईओ। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम ईओ बोल देंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग। फोर्थ है, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड एनर्जी। बोला था कि इक्वल एनर्जी का बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये बात हम लोगों ने बोली थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये बड़ा लोब होगा, और ये स्मॉलर हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे दिखाया जाता है। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। ओनली दोज, वो मिटाने वाला देना मुझे, तो ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। ये सिक्स पॉइंट था, लिख लिया होगा आप लोगों ने, सेम और नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, सातवां पॉइंट, वो सिक्स पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, सातवां पॉइंट है।
ऑल थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब हाफ फिल्ड, वैकेंट एंड फुल्ली फिल्ड. ऑल थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. All three types of orbital involve in hybridization. अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको लगेगा कि सर आपने तो बोला था कि empty orbital participate नहीं करते, लेकिन empty orbital यहाँ पर क्यों participate कर रहे? Empty orbital और empty orbitals participate in केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व एज लोन पे. ठीक है, इन कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को ऐसे दिखाते हैं, एंड लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व. देयर इज नो रोल ऑफ pi bond in calculation of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए pi bond का कोई रोल नहीं है. ठीक है, जो ओरिएंटेशन होगा मॉलिक्यूल का, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि कौन सा ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में जा रहा है, एस टेट्राहेड्रल बना रहा है कि स्क्वायर प्लेनर बना रहा है कि ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बना रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम. हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो. हाइब्रिड, हम एचओ लिख देते हैं, आर अरेंज
इन स्पेस इन सच अ वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो ये तो बात हुई कि हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ कि क्या ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर गिनना पड़ेगा। किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे, देखिए कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल रहे हैं और मान लीजिए कि किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बोल देता है कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO3 माइनस, तो इसका मतलब वो जब वो नहीं कुछ बोलता तो वो सेंट्रल एटम के बारे में बोलता है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या है मेंशन करेगा कि किस एटम की हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन किसी पर्टिकुलर एटम का होता है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर एटम से कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं और उस एटम पर कितना लोन पेयर है, अगर आप ये गिन लेते हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगा। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि इन कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इन बॉन्ड, ठीक है। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पूरी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। बाकी सब कहानी है जो आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, लेकिन ये मेन पॉइंट है आपका जिसको आपको याद कर लेना है कि सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को आपको गिनना पड़ेगा कहीं पर भी। सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड ही गिनना है, डबल बॉन्ड में दो नहीं गिनना है, डबल बॉन्ड में एक ही गिनना है, एक सिग्मा है। ट्रिपल में भी एक ही गिनना है क्योंकि एक सिग्मा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Types of hybridization। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ hybridization और हैं जो यहां आप नहीं पढ़ेंगे, वो आप coordination compound चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप वहां का क्वेश्चन यहां घुसाकर मत सॉल्व करिएगा, ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन यहाँ घुसाकर नहीं सॉल्व करेंगे आप। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, वो पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, ये हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़नी है। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, इतनी हाइब्रिडाइजेशन आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SP की। SP हाइब्रिडाइजेशन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व। अब ये जो पी ऑर्बिटल है ये PX या PY या PZ में से कोई एक होगा, तीनों में से कोई एक हो सकता है। एस एंड पी ऑर्बिटल, SP ऑर्बिटल। तो अब SP ऑर्बिटल जब आपके साथ मिलता है, एक S और एक P मिलता है,
यस मिल गया, ये पी मिल गया। अब हमको नहीं पता ये पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी हो सकता है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। भाई आप जान ही रहे हाइब्रिड ऑर्बिटल तो का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ऐसा। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इससे। और मैंने ये भी बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज किया ताकि इनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। और रिपल्सन मिनिमम करने के लिए इन्होंने दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से किस एंगल पे चले गए, 180 डिग्री एंगल पे चले गए। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल अगर की बात करें तो जैसे BeCl2, तो BeCl, तो ये क्या है, ये 180 डिग्री एंगल। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है लीनियर। कैसा दिख रहा है, लीनियर। एक एक एग्जांपल लेके बताते हैं, फिर आगे आगे थोड़ा सा जब थोड़ा आप समझ जाएंगे तो फिर और एग्जांपल लेकर समझना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हाइब्रिडाइजेशन आप समझ तो रहे हैं लेकिन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक, बाकी के मार्कर भी मुझे दे दो सभी। अब देखिए यहां पर जब भी मिक्सिंग होगा कम से कम दो लोग तो इन्वॉल्व होंगे। जब दो इन्वॉल्व हुए थे तो 180 डिग्री एंगल था, 180 डिग्री, इसका लोब इस तरफ, इसका लोब इस तरफ, और ये 180 डिग्री का एंगल, और ये कैसा दिख रहा है, लीनियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो फिर तीन ऑर्बिटल मिलेंगे, एक s, दो p, sp2 दो पी, पी टू, एक एस, दो पी। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो दो पी और एक एस मिलेगा, टोटल तीन ऑर्बिटल मिलेंगे। जब तीन ऑर्बिटल मिलेंगे तो तीनों ऑर्बिटल अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, और ऐसा करने के लिए उनको ऐसे बनाना पड़ेगा। और ये क्या है, 120 डिग्री का एंगल, सब तरफ क्या है, 120 डिग्री का एंगल। और इसको हम बोलते हैं ट्राई एंगुलर प्लेनर। मैं सब लिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एंगुलर प्लेनर। देख लीजिए, ट्राई एंगुलर है प्लेनर है। ठीक है, अब ये ट्राई एंगुलर प्लेनर अभी मैं लिखता हूँ, लेकिन पहले एक बार विजुलाइज करा दूँ आपको। देख लीजिए, आप देख के समझ लीजिए ज़्यादा। जब चार होगा तो नाम चार हाइब्रिड और चार ऑर्बिटल मिलेंगे, तो चार ऑर्बिटल मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बने, चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3, मतलब एक s, तीन p, तब px, py, pz, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तीनों p मिल गए। तो अब जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। अब जैसे आप कहेंगे कि सर ऐसे भी तो बना सकते थे, स्क्वायर प्लेनर, फिर टेट्राहेड्रल बनाने की क्या जरूरत है। तो देखिए, स्क्वायर प्लेनर में एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल बनाते हैं आप ऐसे, टेट्राहेड्रल बनाते हैं ऐसे, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि ये जो एंगल होता है वो 109.28 मिनट होता है हर जगह पे, 109.28 मिनट। अब 109.28 मिनट 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर हो गए, बॉन्ड दूर दूर हो गए तो ऑर्बिटल दूर दूर हो गए, तो रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो।
तो ये टेट्राहेड्रल, अब चाहे जैसे देख लेंगे इसको घुमा फिरा के, ये कैसा होना चाहिए, ये हर तरफ से टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए। ऐसे मार्कर थोड़ा मोटा है, पेन से समझाता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास आज इतनी पेन होगी नहीं। क्या पेन है? ढेर सारी पड़ी हुई अपने पास, तो थोड़ा वीडियो पॉज करो। तो अब देखिए, हमने पेन ले लिया, पेन से क्या है कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक बार हम लीनियर बना देते हैं, लीनियर ऐसे था, ठीक है, एस पी लीनियर, एस पी, एक एस एक पी, तो दो ही थे, तो दो थे तो लीनियर, ठीक है, एक एस दो पी तीन हो गए, तो तीन बॉन्ड बना दिए, क्या हो गया, एस पी टू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जितने होंगे उतने बॉन्ड बनाएंगे क्या? नहीं, बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों को मिला के बनाया जाता है, लेकिन अभी हम केवल बॉन्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे ना। अब जैसे sp3 है, तो ये sp3 है, अब देखिए टेट्राहेड्रल अब परफेक्ट बना है। अब देखिए ये ऐसे भी टेट्राहेड्रल है, ऐसे भी टेट्राहेड्रल है, ऐसे भी टेट्राहेड्रल है, हर तरफ, जैसे ऐसे भी टेट्राहेड्रल, ऐसे भी टेट्राहेड्रल, ऐसे भी टेट्राहेड्रल, ऐसे भी टेट्राहेड्रल, हर तरफ से टेट्राहेड्रल है। 109.28 मिनट एंगल है ये, ठीक है। जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास सेवन पेन होनी चाहिए, पतली पतली सी सेवन पेन होनी चाहिए, और आप उसको लेकर बंद कमरे में करिएगा, वरना घर वाले कहेंगे कि चलो काफ़ी खेल लिया आप लोगों ने, आप पढ़िए, और आपको लगेगा कि अभी तक तो हम पढ़ ही रहे थे। तो ये एस पी थ्री 109.28 मिनट एंगल और हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री है, ठीक है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अब आता है पाँच, एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी में क्या करना है आपको, एस पी थ्री डी में एक ट्रायंगुलर प्लेनर बनाना है, नीचे एक ऐसे लगाना है और ऊपर एक ऐसे लगाना है। इसका नाम है, ये है ट्रायंगुलर, ये एक पिरामिड है और ये दूसरा पिरामिड है, तो इसका नाम है ट्रायंगुलर। देखिए ये हरा वाला भी दिखना चाहिए आपको, ये ट्रायंगुलर, भाई ऐसे दिखेगा नहीं हरा वाला, ये देखिए ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल हो गया ये, ठीक है। अब ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में एंगल देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर में तो सब 180 है, ये पिरामिड इससे क्या है 90, इससे 90, इससे 90, और ये भी 90, 90, 90, और ये दोनों ब्लैक वाले जो हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका नाम है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी, ठीक है। अब आते हैं छः पर, एस पी थ्री डी टू, एक एस तीन पी, पी तो खत्म हो गया, अब आया डी, डी कितना, दो डी। तो ये ऐसे ऐसे बनाएंगे आप इसको, देखिए बनाने का तरीका ये है कि जब इसको आप लेते हैं तो ये उंगली का जो ये छेद है ना, ये इस जगह पर ये सारे पॉइंट आने चाहिए ऐसे। अब इसका अगर आप इसको देखें कि सर ये क्या बोले हम इसको, तो आप इसको बोल सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, लेकिन इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। सभी एंगल 90 डिग्री हैं, आमने सामने वाले 180 डिग्री हैं। जैसे ये सब 90 है, ये पिरामिड वाला भी इन सब से क्या है 90 बना रहा है, और आमने सामने वाले क्या कर रहे हैं 180 बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ब्लैक और ये ब्लैक वाला भी क्या कर रहा है 180 बना रहा है। तो ये समझ पाए आप, समझ पाए? तो ये हो गया ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, इसको सॉरी ये हो गया ऑक्टाहेड्रल एस पी थ्री डी टू, ठीक है। अब आता है सात बॉन्ड, जब सात बॉन्ड आएगा तो थोड़ा थोड़ा सा इसको इसी को खिसका देते हैं, ये ऊपर हो गए पाँच बॉन्ड और ये एक ऊपर ऐसे, बीच में पाँच बॉन्ड हो गए, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल अगर 360 को पाँच में डिवाइड करें तो 72, ये 72 डिग्री का एंगल है सबके पास, ये ऊपर एक पिरामिड जो इन सबसे 90 डिग्री बना रहा है, और ये नीचे पिरामिड ये सबसे 90 डिग्री बना रहा है, और ये पिंक वाला और ये ब्लैक वाला एक दूसरे से 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है।
तो काफ़ी देर पकड़े पकड़े हाथ दर्द भी करने लगता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक साथ तुरंत सीखे, मैं तो सिखाने के टाइम की कमी होने की वजह से मैं तो एक साथ सिखाता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि एक साथ सीखना है, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सीखना है, ठीक है। तो अब हमने आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिए, अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे हमने ये बात करी थी SP की, तो अब हमारे को क्या है कि ऑर्बिटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधे कंपाउंड बना के आपको बता सकते हैं। जो दूसरा है हमारा SP2, SP2 का मतलब S1S+2P ऑर्बिटल। दो p ऑर्बिटल लेना है, आप चाहे PX PY ले लीजिए, चाहे PY PZ ले लीजिए, चाहे PX PZ ले लीजिए, कोई भी दो p ऑर्बिटल लेना, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा है इसका? ट्रायंगुलर प्लेनर बोला जाता है इसको, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं इसमें। ऐसे BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर है ऐसे F F F, ये 120 डिग्री एंगल, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल में 120 डिग्री का एंगल होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर में 120 डिग्री का एंगल होता है, ये प्लेनर होता है, ये कि प्लेन पे होगा, XY या YZ या XZ, ये डिपेंड करेगा कि ये क्या है। अगर ये XY है भाई, PX PY है, तो ये XY प्लेन है, ये YZ है तो ये YZ प्लेन है, ये XZ है तो ये XZ प्लेन है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि किस प्लेन पर है, ठीक है। तो ये आपका आया क्या, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल। अब अगर इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना हो, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्म में दिखाना हो, तो हमको कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों 120 डिग्री के एंगल पे है, ये तीनों 120 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो ये चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, एक ही बात है, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको इसके कंपैरिजन में। अब सभी को एक एक करके लेते जाते हैं। तीसरा है हमारा SP3, तो ये क्या होगा, 1s+3p। अब 3p में क्या हो सकता है, PX PY and PZ। अब तीनों आ गए, अब ये एक प्लेन पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये XYZ तीनों आ गया, तो एक प्लेन पे तो ये नहीं हो सकता। अगर ये एक प्लेन पे नहीं है तो फिर क्या है, तो ये है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कैसे बनाया जाए, जैसे एग्जांपल, पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर लें, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे CH4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड। अभी हम लोन पेयर नहीं ला रहे हैं, कहीं पर भी लोन पेयर नहीं ला रहे हैं, अभी लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहे हैं, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जितने ऑर्बिटल होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड लेकर आ जाएंगे, जैसे BCl2 तो 2 सिग्मा बॉन्ड लाए थे तो SP था, BF3 3 सिग्मा बॉन्ड लाए थे, SP2 था, SP3 में 4 ऑर्बिटल है, 4 सिग्मा बॉन्ड ले आए, SP3D में 5 ऑर्बिटल होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड ले आएंगे, SP3D2 में 6 ऑर्बिटल होगा, 6 सिग्मा बॉन्ड ले आएंगे, और SP3D3 में 7 ऑर्बिटल होंगे तो 7 सिग्मा बॉन्ड ले आएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये टेट्राहेड्रल है, कार्बन H
इसको वेज एंड डैश प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है इस नाम की। ये ध्यान से देखिए इसको, तो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस बोर्ड पर है, ये डैश 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 वाला है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, आप व्यूअर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, मतलब ये बोर्ड के अंदर है और ये बोर्ड के बाहर है, ये बोर्ड के बाहर है। तो अगर इसको मुझे बना के दिखाना हो कि ये बोर्ड के अंदर है, ये बोर्ड के बाहर है, तो कैसे बनाया जाए, आइए देखा जाए। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए, ये बीच में कार्बन है, ये ब्लू वाला बाहर है वो ये है, और ये ग्रीन वाला, जो ये ग्रीन वाला है वो अंदर है, वो कौन है, एच, ये वाला है, ठीक है। ऐसे काट दिया अगर आपने तो देखा कि ये बाहर चला गया, ये अंदर चला गया, तो ये अंदर है, ये बाहर है, ये प्लेन पे है, ये प्लेन पे है, ठीक है, कार्बन भी प्लेन पे है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि टेट्राहेड्रल में तीन एटम हमेशा एक प्लेन पे रहते हैं, एक दो तीन, ये तीन एटम हमेशा एक प्लेन पे रहेंगे, कोई भी तीन एटम एक प्लेन पे रहेंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं एसपी थ्री डी की, एसपी थ्री डी की। अब यहां पे 1s3p प्लस 1d होगा, 1d ऑर्बिटल, और वो d फिक्स है, कोई भी d नहीं, dz² वो फिक्स है, dz² क्यों है फिक्स, मैं बताता हूं आपको। स्ट्रक्चर इसका है ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ऊपर क्या होगा, जेड होगा, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ऊपर क्या होगा, जेड होगा, नीचे क्या होगा, जेड होगा, प्लस पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, ऊपर ये क्या है, जेड है, और ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक आता है एस पी एक्स, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, और एक आता है पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बनाता है ट्रायंगुलर, और ये बनाता है बाई पिरामिडल, दो पिरामिड बनाता है, एक पिरामिड ये बनाता है, एक पिरामिड ये बनाता है, ठीक है, बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर क्या हो गया, ट्रायंगुलर, और जेड जेड, दो ऊपर जेड और नीचे जेड क्या हो गया, बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5 हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, पांच सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, फास्फोरस पांच बॉन्ड बना रहा है, हर Cl से एक एक बॉन्ड बना रहा है, फास्फोरस हमने ले लिया Cl, Cl। अब देखिए तीन जो मैंने बनाई, ये Cl कहाँ है, अंदर बोर्ड के अंदर, ये Cl बोर्ड के बाहर, और ये Cl बोर्ड पे, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ है, ये है Cl पिरामिड, और ये Cl क्या है, पिरामिड। तो अब इसका नाम क्या हो गया, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ध्यान से समझिए, अगर 2D स्ट्रक्चर है, 3D के हिसाब से बनाया है, समझिएगा इसको कि ये ऐसे है, ऐसे है, और इसके ऊपर Cl है, नीचे क्या है, Cl है, अंदर क्या है, Cl है, बाहर क्या है, Cl है, इधर क्या है, Cl है, और बीच में क्या है, फॉस्फोरस है।
तो यह है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना है 120, ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये 90, ये 90 परपेंडिकुलर है, ये 90, ये 90 देखने में नहीं लग रहा है 2D पे, पर ये क्या है 90, ये 90 है, सब क्या है 90 90 है, समझ पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि कितने, तो 3 120 डिग्री एंगल है, ये 3 से 90 बना रहा है, ये भी 3 से 90 बना रहा है, तो 6 क्या है 90 डिग्री एंगल है, और ये दोनों CL आमने सामने हैं 180 डिग्री एंगल है, एक 180 डिग्री एंगल भी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कि ये बाई पिरामिडल के लिए जिम्मेदार है और ये ट्रायंगुलर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब लाते हैं पांचवा, फिफ्थ है sp3d2 में एक s है, 3p, 2d ऑर्बिटल है, 2d ऑर्बिटल कौन कौन सा, dx² y² and dz² तो अब देखिए, फिर एक बार वैसे ही हुआ, एक ऐसे स्क्वायर की तरह बना, ऊपर दो पिरामिड की तरह बना, ये जो दोनों पिरामिड बनाते हैं आप, ये हमेशा इसमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, pz एंड dz स्क्वायर की। तो ऊपर pz dz² हो गया, pz एंड dz² चला गया, अब बचा क्या, spx py and x² y² तो ये xy प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, xy प्लेन हो गया। तो अब इसको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल SF6, मैंने बोला था कि जितने ऑर्बिटल उतने बॉन्ड लेकर आएंगे, लोन पेयर की बात अभी हम नहीं कर रहे, तो 6 बॉन्ड है हमारे पास, 6 बॉन्ड है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ये F है, ये F है, ये F है, ये F है। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो ये क्या है, ये जो दोनों F है ये बाहर की तरफ है ऐसे, ये जो दोनों F है अंदर की तरफ है, तो ये ऐसे हो गया ऐसे। अब एक F ऊपर है और एक F नीचे है, एक एफ ऊपर है और एक एफ नीचे है। अब अगर आप 90 डिग्री एंगल की बात करें तो कितना है, तो इससे गिना जाए तो पहले ही तो ये 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, मतलब टोटल 12 90 डिग्री एंगल है, अब 180 कितना है, 1 2 3। स्ट्रक्चर का नाम ऑक्टाहेड्रल। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हर पोजीशन आइडेंटिकल है,
कोई भी इसके अंदर, मैं समझा देता हूँ कैसे है, बिल्कुल समझाऊंगा आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मुश्किल होता है हाथ को घुमाना। अब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें तो लोग बड़े आसानी से घुमा देते हैं, लेकिन हम लोग जब इसको ऐसे पढ़ाते हैं तो जैसे देखिए, ये इस समय आपको ब्लू वाला और ऑरेंज वाला आपको पिरामिडल लग रहा है। देखिए ये ब्लैक और ये ब्लैक कौन है, ये है, मतलब ये ब्लैक और ग्रीन कौन है, बाहर की तरफ है, ये है, ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक कहाँ है, अंदर की तरफ है, वो ये है। ये ब्लू वाला कौन है, वो ये है, और ये ऑरेंज वाला कौन है, वो ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ऐसे कर दें, इसी चीज़ को ऐसे कर दें, तो आप देखेंगे ये ब्लैक और ये ब्लैक क्या हो गए, ये वाले हो गए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी किसी की भी पोजीशन ले सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल। तो आप ये बात कहीं लिख लेंगे कि इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में सभी पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अब आते हैं sp3d2 पर। d3 पर एक s, 3p और तीन ही क्या होगा, d होगा, 3d, 3d ऑर्बिटल। अब ये जो 3d ऑर्बिटल है ये कौन है, ये एक dxy है। ये बस ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन सा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आप देखिए ध्यान से समझिए, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका, इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैंने आपको बोला कि पिरामिडल के लिए आपको क्या चाहिए, पीजेड एंड डीजेड स्क्वायर, ये दोनों पिरामिडल के लिए चला गया। तो जेड एक्सिस पर पिरामिड बन गया, तो बचा क्या, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन देखिए, अब एक्स वाई ही बचा है, देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो सब एक्स वाई ही बचा है एक्स वाई प्लेन के लिए, पेंटागोनल बाय पिरामिडल के लिए। तो आप अगर आप बोले कि यहाँ पे पेंटागोनल कौन बना रहा है, तो एस पी एक्स पी वाई डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या बना रहा है, पेंटागोनल। पी जेड डी जेड स्क्वायर, ये क्या बना रहा है, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कौन पेंटागोनल बना रहा है, कौन बाई पिरामिडल बना रहा है, इसके बारे में अगर आपसे पूछते तो ये जानकारी आपके पास बाकी दुनिया से आपको अलग करती है, बाकी सभी से आपको अलग कर देती है कि आपके पास इस तरह की इतने डीप तक की जानकारी है। तो ये ही चीज़ें आपको अलग करेंगी और यही आपकी रैंक बढ़ाएगी, यही चीज़ें आपकी आपको अलग करेगी और यही चीज़ें आपकी रैंक बढ़ा देंगी कि हाँ हम जो है बाकी दुनिया से अलग क्यों हैं, हम क्यों कर सकते हैं ऐसा। तो ये चलिए इसको तो मिटा देते हैं, पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है हम जान गए हैं। अभी एक एग्जांपल ले लिया जाए, आई एफ सेवन। तो आई एफ सेवन जो स्ट्रक्चर है, तो अब इसमें हम आई एफ सेवन में ऐसे पेंटागोन बना देते हैं, एक पेंटागन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया आई, ये ले लिया एफ, ये भी ले लिया एफ,
ये भी ले लिया F, ये भी F, ये भी F, ये भी F, और ये भी F, ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसके अंदर एंगल क्या है, तो अगर आप देखें तो 572 डिग्री एंगल है, पांच है ऐसे जो 72 डिग्री है पेंटागोनल वाले। अब ये जो पिरामिड है इस पांचों पेंटागन से 90 डिग्री बनाएगा, ये भी पिरामिड पांचों पेंटागन से 90 डिग्री बनाएगा, मतलब टोटल 10 जो होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा, और 180 डिग्री एंगल होगा। एक जो होगा वो आमने सामने वाला, ये वाला पिरामिडल वाला, ये क्या करेगा 180 डिग्री एंगल, बस दोनों जेड एक्सिस पे है ऐसे, तो ये क्या करेंगे 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। समझ पाए, तो ये ध्यान रखिएगा इसका, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन। सर आप तो कंपाउंड लेकर बता दे रहे थे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है, एग्जाम्पल ले ले रहे थे आप, हमको कैसे पता चलेगा कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमको किसी कंपाउंड में कैसे पता चलेगा कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो अब मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बोले, अगर हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाए तो हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हमको पता चल जाए तो हमको हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगा, और अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो हमको स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दो है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दो है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और स्ट्रक्चर लीनियर होगा। तीन है तो sp2, चार है तो sp3, पांच है तो sp3d, छः sp3d2, सात sp3d3। ठीक है, दो है तो sp, तीन है तो sp2, अगर sp2 है तो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। चार है तो टेट्राहेड्रल, पांच sp3d है तो ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, छह है तो sp3d2, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, और सात है तो sp3d क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब चलिए कैसा रहा? ये पता चलते ही ये पता चल जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हमको पता चल जाए तो हमको, हम भी ये जान जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाए कि भाई मान लीजिए चार है तो आप बोलेंगे एक sp, तीन पी तब हो जाएगा चार, तो sp3, मतलब sp3 हो गया तो टेट्राहेड्रल हो गया, ये क्लियर हो गया आपको, लेकिन ये क्लियर हो जाए तब। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकाला जाए,
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या इसको स्टीयरिक नंबर भी बोला जाता है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकाला जाए, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि गिनना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनना है और नंबर ऑफ लोन पेयर गिनना है। अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर गिन लेते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता पाएंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये बता लेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर लोन पेयर है तो आप स्ट्रक्चर अभी मत बोलिएगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो आप स्ट्रक्चर वो बोल दीजिएगा जो अभी आपके सामने लिखा हुआ था, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोन पेयर आता है तो थ्योरी अगली थ्योरी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में हम चले जाते हैं। तो अगर केवल सिग्मा बॉन्ड आता है तो स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन अगर केवल सिग्मा बॉन्ड ना आके लोन पेयर भी आता है तो आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल गिनिए और उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बोल दीजिए, ठीक। ये फॉर्मूला है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं। जैसे ही आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चलेगा, दो होगा तो sp, तीन होगा तो sp2, चार होगा तो sp3, पांच होगा तो sp3d, छह होगा तो sp3d2 और सेवन होगा तो sp3d3 हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर है। अब हमको यही देखना है कि अब हम आगे क्या ये चीज़ें कर पाते हैं, क्या हम किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाते हैं। तो पहले हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए जो मैं आपको याद दिला दूं, जो एक बार आप फिर से चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे एक बार आपने नोट कर रखा है कि फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है अगर वो सराउंडिंग में है, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा सराउंडिंग में, और अगर वो सेंटर में है तो फिर वो दो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और बाकी जो एटम हैं वो अपने बॉन्ड नंबर ऑफ जो बॉन्ड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने आप लोगों को बता रखा। चलिए तो आइए अब देखते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है BCl2। अब BCl2 में सेंट्रल एटम कौन है, B है, और अब आपको B की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, B की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि B के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो हैं। B के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो हैं। तो B ने क्या करा, एक बॉन्ड इस Cl से बनाया, एक बॉन्ड इस Cl से बनाया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए दो बॉन्ड बनाने में, मतलब इसके पास क्या है, टू सिग्मा बॉन्ड। जब दो सिग्मा बॉन्ड हुआ तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी। स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर। स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर। इतनी चीजें आपको अभी बतानी नहीं है, अभी आपको केवल हाइब्रिडाइजेशन बोलना है, ये तो मैं आपको समझा रहा था। कुछ कंपाउंड लेते हैं और समझते हैं इसको, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है पी एफ फोर प्लस, पी एफ फोर प्लस, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, सेंट्रल एटम पे। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मैंने पीछे पढ़ाया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव किस पे आएगा, सेंट्रल एटम पे। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फाइव। अब एक पॉजिटिव चार्ज आने से कितना हो गया, फोर। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फोर, वन टू थ्री फोर। एक फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, फ्लोरीन वन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो क्या हो गया, फोर सिग्मा बॉन्ड।
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अब आपको जोड़ना है केवल, जैसे चलिए आइए लोन पेयर लेते हैं NH3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। अब ये क्या बन गया? एक लोन पेयर। तो 3+1 कितना हो गया? 4। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, हमने बोला था सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ देना है। 3+1 कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ठीक है, अब जैसे वाटर लेते हैं, वाटर ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2। ये क्या हो गया? 2 लोन पेयर बच गया, तो मतलब ये हो गया क्या? 2+2 क्या आ गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। ठीक है, समझ पा रहे हैं? समझते जाइए, समझाते जा रहे हैं आपको, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता रहे हैं आपको कि किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है XeF2 है, जेनॉन F2। अब जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि नोबल गैस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1, 2। लोन पेयर देखो 1, 2, 3, तो ये हो गया 2+3 मतलब कितना? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। भाई sp3d, 1s 3p 1d, sp3d। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है XeF4, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्लोरीन कितने? 4। ठीक है, अब जो बचा है उसको पेयर बनाते जाइए, जैसे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। लोन पेयर कितना? 2। कितना आ गया? 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। 6 आता ही हमें पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, चलिए और ले लें, लेते जाते हैं। ये मिटाते, ये कर लिए होगा। मैंने कुछ एग्जांपल अभी आपको मैं दे दूंगा कि आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मुझे बताएंगे। जैसे अब आपके पास है XeO F2, चलो XeO F2 है। आप जानते हैं कि जेनॉन क्या है? सेंट्रल एटम है। तो जेनॉन सेंट्रल एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया और उसके बाद क्या बचा? 2 लोन पेयर। अब आप बॉन्ड गिनिए कितने हैं, तो इधर कितने हैं? 1, 2, 3, बस इसमें तो एक सिग्मा एक पाई है ना, आपको तो सिग्मा ही गिनना है ना, तो केवल सिग्मा गिनेंगे। 1, 2, 3, 3 लोन पेयर, 2 कितना हो गया? 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। ठीक है, और लेते हैं XeO2F2। चलिए देखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया? लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर एक सिग्मा है, ये सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा एक पाई है तो 1, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई है तो 1, तो 1, 2, 3, 4 और ये 4+1 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। लगातार sp3d आ रहा है, ऐसा नहीं, जैसे XeF6 हो गया, XeF6 हो गया, तो स्ट्रक्चर नहीं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। फ्लोरीन कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी लोन पेयर बच गया, 6+1 कितना हो गया? 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन बड़ा तेज़ी से निकाल सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो बहुत मुश्किल काम नहीं है।
मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर आप करते हैं तो। किसी भी कंपाउंड की हैबिट ऐसे निकालनी हो तो अब आप अपने मन से कंपाउंड नोट्स में मैंने ढेर सारे कंपाउंड दिए हुए हैं। आप क्या करेंगे कि कंपाउंड को देखेंगे, आप हैबिट ऐसा उसका मत देखिएगा, बस कंपाउंड देखिएगा और बनाइएगा, कंपाउंड देखिएगा बनाइएगा बनाइएगा देखिएगा आएगा आपका, समझ गए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की। इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।